We have with us Aditya Ghildyal, Association of Greater Noida Authority. Sir, BJP और डॉक्टर महेश शर्मा की मासिव विन है, ऐतिहासिक जीत है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये डॉक्टर साहब का अपना एक ऑरा है और हम इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं और हम एक एक व्यक्ति का नाम जब पुकारते हैं तो उसको जो है बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी का नाम लेते हैं। डॉक्टर साहब की इतनी बड़ी खूबी है कि इतना बड़ा गौतम बुद्ध नगर है, ये हर व्यक्ति को नाम से जानते हैं और जिस तरह वो हर व्यक्ति से पेश आते हैं तो ऐसा लगता है वो उन्हीं के प्रिय हैं। एक बहुत बड़ी खूबी है और डॉक्टर साहब के दोबारा एमपी बन जाने से इस क्षेत्र का काफ़ी उद्धार होने वाला है। ख़ास तौर पे जो एयरपोर्ट पेंडिंग है वो बहुत जल्द आएगा, उसके अलावा ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट होगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आने की इच्छुक हैं। अभी थोड़ा डालमोल हो रहा था लेकिन अब ये गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में कई इंडस्ट्रीज़ यहाँ आएंगी, जो लोकल है उनको रोज़गार मिलेगा, जो स्वयं प्रामिता है, और इस गौतम बुद्ध नगर ज़िले का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और स्टेट को बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू मिलेगा। डॉक्टर साहब की पिछले 5 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं एक कहूँ तो वो जो जेवर एयरपोर्ट लाए हैं, इससे हमारे बगल में जो 5 राज्य हैं, आपका हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, इन सब का जो है डेवलपमेंट होने वाला है क्योंकि ये प्रॉक्सिमिटी में बॉर्डर सब लगे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट आ जाने से यहाँ का बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट होने वाला है और हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट अगर उनको एविएशन मिनिस्टर भी बना दे साथ में तो वो सोने में सुहा जाएगा, सुहारा सुहागा हो जाएगा। इसी उम्मीद से कि डॉक्टर साहब इस क्षेत्र को और डेवलप करेंगे, हम उनको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देते हैं, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रीज़ की तरफ से बधाई देते हैं, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस की जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ से बधाई देते हैं और आने वाले समय में उनके लिए हमेशा हम लोगों का वो हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा हमारा एक सोच है। हम पुनः एक बार डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं।